ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न अनजान तेरी, सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी, तरिया रे गुरु नानक जिन टुणिया फेकिया, से फिर कर बात न परिया रे, ऊच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावत उधर सुनत उधर, बिनस पाप कने रे, सो थान सुहावा जी जित मेरा सतगुर बैठा जाए, थान सुहावा जी जित मेरा सतगुर बैठा जाए, तो थान सुहावा जी जित मेरा सतगुर बैठा जाए, तो थान सुहावा जी जित मेरा सतगुर बैठा, तो थान सुहावा जी जित मेरा सतगुर बैठा जाए, सो थान सुहावा जी जित मेरा सतगुर बैठा जाए, सो थान सुहावा जी जित मेरा सतगुर बैठा, थान सुहावा जी जित मेरा सतगुर बैठा जाए, सतगुरु बैठा जाए जित मेरा सतगुरु बैठा जाए, मेरा सतगुरु बैठा जाए जित मेरा, सतगुरु बैठा जाए जित मेरा सतगुरु बैठा जाए जित मेरा, सतगुरु बैठा
गुरमुख बाबा मुझसे कर की कल पाई नाम नानक सतगुरु पूजिया जिना सूर्य करावा जिथे बैठ गया कलगिया वाले धरती नू भाग लग गया बैठ के कलगिया वो धरती नू भाग लग गया अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निघी गोद दा आनंद माण रही
गुरु रूप गुरुस्वारी साध संगत जी जिथे आप जी माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारा तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र उची सुची ते निघी गोद विच पुज के अपनी जिंदगी दे अमोलक समय नूं गुरचरणा विच लगा के सफलियां करन दी खेचला जनी कृपालता कर रहे हो। उत्थे तुसीं होले महल्ले नूं मनाउण वास्ते आए हो। होला महला अज दा दिन बड़ा इनकलाबी दिन है। अज दे दिन कलगियां वाले पातशाह ने गैरत ते अणख पैदा कीती। महापुरख बैठे ने रब वर्गियां बख्शियां रूहां स्टेजां दे धणी महापुरख बैठे ने। अज दे दिन अज दा दिन ओ आ केड़ा दिन समा थोड़ा गल कुछ ज्यादा कहनी मुकदी गल की गुरु की संगत दुनिया दे विच हर काम की हद आ पर हद नूं कोई बिरला टपदा पर कलगी धर पातशाह तो हर हद ही टपक सियाणे कहिंदे हद लाती आ। एक वारी कह दे मैं टीमां ग्राउंड दे विच खेडदियां तगड़े प्लेयर चंगे खेडण कहिंदे यार फलाने प्लेयर ने हद ही ला दित्ती कोई कसर ही नहीं छड्डी। मुकदी गल की पिंडां दे विच लड़ाई हो जाए तो कोई तगड़ा बंदा कहिंदा यार हद ही ला दित्ती। देशां दी लड़ाई होंगी एक देश तो दूजे देश नाल कह दें फलाने कंट्री की फौज ने हद ला दिती पर गुरु गोबिंद सिंह वह हद ला दिती पर गुरु साहब ने तो हद छड़ी नहीं महाराज ने कोई हद नहीं छड़ी। अज का दिन इनकलाबी देना सिखी दी नहीं भावें गुरु नानक दे समय रखी गई। माफ करना सज्जनों कई बार दास कीर्तन दे बेनती करता है कि खालसा खालसा एक बारी कह दो महरू एक खालसा जिहड़ा गुलामी च जमिया गुलामी च पलिया गुलामी च अगे वधिया बल्ले 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 एक पासे रंग जिहे ने कसम खाधी सी मैं भारत की धरती ते दूजे धर्म का दीवा नहीं बन देना और दूजे पासे हिंद धर्म हिंद रखक पिता सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज बल्ले 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 इस आनंदपुर तू तैयारी कर रहे सन तू कहना मैं दूजे धर्म का दीवा नहीं बन देना मैं दूजे धर्म का की तू कहना इस्लाम का दीवा जगेगा। पातशाह ने आख्या कि किसी धर्म का दीवा नहीं पुजन देना सिख का किसी नाल वैर नहीं। एक बारी कह दे वैरू यह सरबत का भला मंगण वाला भला किसी ना वैर रख सकता है जिदा गुरु सरबत का भला मंगे वह सिख गदार नहीं हो सकता। पर एक गल ना भुलना एदा किसे नाल वैर नहीं पर जेड़े जिन्हें एदी गैरत ते अणख नूं वंगारिया ओदी भी खैर नहीं ओदी भी खैर नहीं है। कौमां नोटां ते वोटां नाल नहीं बनदियां। दास अर्ज कर रहा सी खालसा जी एदे राह विच लाहौर दियां तत्तियां तवियां आईयां सबर की हद ला दित्ती। एक बारी कह दे वाहिगुरू सबर की हद टप गया। साढ़े महापुरख कई बार पढ़ते होंगे पंज भैणियों वाले तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे करनी दसी सबर की जंग तैनू दिल्ली चांदनी चौंक बाजार अंदर किसे दसिया जीवन का ढंग तैनू जदू जदू सड़े तू भठिया विच पै पै त्यों तू चढ़िया कुरबानी का रंग तैनू। माफ करना खालसा जी कई बार लोग कह देंगे भेवे वाले तो जज्बात पुण दियां गल्लां करदे ने ओ खालसा जी जज्बात जिस जिस बंदे दे जज्बात खत्म जिस बंदे दे जज्बात खत्म ओ बंदा खत्म जिस समाज दे जज्बात खत्म ओ ओ समाज खत्म जिस धर्म दे लोकां दे जज्बात खत्म ओ धर्म खत्म जिस माफ करन देश दे लोकां दे जज्बात खत्म ओ देश खत्म। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तो जज्बात पैदा किए किहो जे जज्बात जिहड़े लोग चिड़ियां तों डरदे सी बल्ले 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 महाराज ने आख्या चिड़ियां चिड़ियां कहन लग पे सी सारे माफ करना खंखारू बाज सन इत्थे दे जालम धर्म दे ठेकेदार ए खंखारू बाज सन पर पातशाह ने किया हिंदू जनता नूं सानू किया चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं
गिदड़ा कोलों किसे दी जबान नहीं सी खुलती, वक्त ना कई गलां महापुरखों करन वालियां नहीं, लोकां दी जमीर इत्थे तक मर चुकी सी। की कहिंदा साडी धी भैण नूं तां लै जाओ पर सानूं कुछ ना कहो, एक वारी कह दे बाहर। पर मेरे पातशाह ने आवाज दित्ती, ओ जिसकी तेग उसी का तेज, जिसका तेज उसी का बल, जिसका बल उसी का राज। कोई किसी को राज ना देख है, जो लेख है निज बल से लेख है। कहावत मशहूर बन गई सुन, जो सिंह ने अमर छके ना ते गल च बड़िया कृपाना, तेड़ कशहर अब बसरे वर्गे शहर, काबल वर्गे, कंधार वर्गे, एमनाबाद वर्गे, मुकरी गर की खालसा दी, बसरे वर्गे, काबल कंधार वर्गे शहर जिथे साडे देश की इज्जत टके टके दे विकदी सी, धी भैन टके टके दे विकदी सी। कहावत की बन गई सन, जे किसी की धी भैन नूं कोई लै जांदा ते तुसीं हुण जे कहो पढ़ लीए ते पढ़ लीए, जे कहो ते जदों कोई कशहरे वाला नजर आउंदा ना, महापुरख कहिंदे हई बाबा, चलो सुधाई पढ़ लो, हई बाबा रन बसरे नू गई बाबा, वे रोकी भाई कछ वालिया। निहंग सिंह खलोते होना पंद्रह भी हाथ च बड़े होने नेजे, तो माफ करना जा खालसा शस्त्र धारी खलोता वे, तो मुकरी गल की वाह बाजा मालिया, ऐसी कर कमाल गया, ऐसी कर कमाल गया। माफ करना जेड़े कल तक फिर ते कंगाल सी, उन्होंने कर मालो माल गया। कलगियां वाले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ग्यारत बख्शी, अणख बख्शी, जूना बख्शिया, इनू मरना बख्शिया, इनू जून की जात दसी, दे जीना दे गुरु चरणों में जी। एक बारी कहो वाहिगुरू, मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है, मरो तुहार के द्वार, मातर पूछा कौन है परा हमारे बार। इनू जून की जात दसी, इनू मरन की जात दसी, इनू माफ करना सेवा करन की जात दसी, इनू खालसा की गैरत बख्शी, इनू अणख बख्शी। महापुरख एक दिन मैं पढ़ रहा सी, हजरत मुहम्मद एक मुसलमान लिखारी होया, वो आंदा हो सिखा बारे लिखता है, कहता हो जे गुरु गोबिंद सिंह सिख ने ना, कहता है बड़े कुत्ते ने, एक बार कह दो बहरू, कहता है बड़े कुत्ते ने, यह बड़े बड़े जालम भी इन्होंने कुत्तिया तू डरते हैं, एक कुत्ते बड़े कुत्ते ने पर कुत्ते योजे कुत्ते ने। एक बार कह दो बहरू, कहता कुत्ते योजे कुत्ते ने पर है बड़े कुत्ते, कुत्ते योजे कुत्ते ने, इन्हों की गैरत अणख न को वंगार के नहीं जाता, पर कहता कुत्ते है बड़े चंगे। एक बार कह दो बहरू, वो लिखता कुत्ते इन्ने चंगे ने, कहता प्राए धन न हाथ नहीं लाते, करके खाते ने, एक कुत्ते इन्ने चंगे कुत्ते ने। एक बार कह दो बहरू, कहता प्राई धी भैन न माफ करना अपनी धीण भी धी भैन समझते ने, एक कुत्ते इन्ने चंगे ने, कहता किसी का बुरा नहीं मंगते, सरबत का भला मंगते ने। माफ करना जगती पै गई जगत ताक पंजाबियों की, यूरोप जंग अंदर तेगा मारिया ने, दुनिया एवं नहीं सानू सरदार कहती, सर दह के लिया सरदारियां ने। अज का दिन इनकलाबी दिन है, लख लाल तो सिख द जीवन जिदे अज के दिन से भी डौड़े ना फरकन, जिदे विच गैरत अणख ना आवे, अज का दिन खालसा माफ करना खालसा जी। कल होला महला निकलना, माफ करना गुरु की संगत, कलगिया वाले आनंदपुर छड़ दिता, जोड़ा किसे पासे घोड़ा किसे पासे, खेरू खेरू हो परिवार गया, ते थोड़ा किसे पासे ते थोड़ा किसे पासे, चारे लाल धर्म तू वार दते, जोड़ा किसे पासे जोड़ा किसे पासे, माची बाड़े जंगलों में आण सुता, कलगी किसे पासे तोड़ा किसे पासे, और जिथों मुकदी मजनूआ रांझी आंदी, बल्ले 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 अजकल गाने चल पे रांझे ते मजनू, और जिथों मुकदी मजनूआ रांझी आंदी, उथों शुरू होंदी दस्तान साडी, उथों शुरू होंदी दस्तान साडी, और साडे लड़दियां लड़दियां सीस लै गए, साडे लड़दियां लड़दियां वाह हो जा अमृत बख्शिया, दुनिया मर के अमर होंदी है,
गुरु गोबिंद सिंह ने जूंदे जी सिख नूं अमर कर दिता। जूंदे जी माफ करना, खालसा जी किसी की लत कट्टी जा कोई कहिंदा ए मर गया जी इहदा ट्रीटमेंट कराओ जी हस्पताल लै जाओ, किसी की बांह कट्टी जा कोई कहिंदा माफ करना गुरु की संगत मर गया इहदा इलाज कराओ, किसी की अख निकल जाए, किसी की नक् वड्डी जा कोई कहिंदा मर गया, और किसी की गर्दन धड़ तो जुदा हो जाए, कोई कहिंदा ए जूंदा कोई कहिंदा जूंदा, और जिन्हें चीरिया होवे सत्तां समुंदरां नूं, जिन्हें चीरिया होवे बोलते क्यों नहीं तुसीं, जिन्हें चीरिया होवे सत्तां समुंदरां नूं उहदे लई दरियावां तर के जाना पार भी की है, उहदे लई दरियावां तर के जाना, जिहड़ा समुंदरां नूं तर जाए दरिया तरना की औखा, जिन्हें चीरिया होवे महापुरखो सत्तां समुंदरां नूं उहदे लई दरियावां तर के जाना पार भी की है, और सिर कट्टन तो बाद भी रह लड़दा इस तू वध सकना किसे मार भी की है। इस तू वध सकना किसे मार भी की है। माफ करना खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा, साडे लड़दियां लड़दियां सीस लै गए, कट सकी ना मौत भी जान साडी, धन बाबा दीप सिंह होए एक हाथ ते सीस दूजे हाथ च खंडा। मैं इन यूएस मैंने एक नौजवान ने सवाल किया संत जी असी साइंस च यकीन रखते हैं, और आख्या करो असी किसी नूं नहीं मनते असी बाणी च यकीन रखते हैं, असी बाणी च यकीन रखते हैं, असी बाणी च यकीन रखते हैं, असी गुरु ग्रंथ साहिब यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। माफ करना असी अपने इतिहास में यकीन रखते हैं। कह लगा संत जी वे ट्रस्ट इन साइंस नॉट इन गॉड, असी जे साइंस मनते हैं असी रब नूं नहीं, माफ करना रब नूं नहीं मनते और किसे नूं नहीं मनते। मैं कहा साइंस की है खोती का सिर, एक बार कह दो वाहेगुरु, एक बार फिर कह दो वाहेगुरु, एक बार फिर कह दो वाहेगुरु, साइंस की है क्यों साइंस नूं मनते हो रब नूं क्यों नहीं मनते। कह लगा साइंस ने गड्डियां बना दित्तियां, मोटर बना दित्तियां, जहाज बनाते, मोबाइल कढ़ दित्ते, एटम बंब बना दित्ते, मिसाइलां बना दित्तियां। मैं क्या इन्ना की कहना कि कुछ होर भी कहना, वो कहो अपनी साइंस नूं, कहिंदा साइंस सिद्ध करके दसदी है, कहो अपनी साइंस नूं। और एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बुढ़े जरनैल कलगीधर पातशाह दे लाडले पुत बाबा दीप सिंह वर्गा एक सिख पैदा करके दसे, खालसा जी एक सिख पैदा करके दसे सर धड़ तों जुदा हो जाए। माफ करना अद दा दिन इनकलाबी देना, आपां कहिंदे आनंदपुर दा मेला, मेले मेले च बड़ा फर्क हुंदा, एक बारी कह दिओ वाहेगुरू, एक बारी फिर कह दिओ वाहेगुरू, मेले मेले च बड़ा फर्क हुंदा। आ एक माफ करना गाउण वालिआं दा मेला, माफ करना गुरु किसे दा मेला कहदा, उहदा वेले बंदिआं दा कम, एक उह मेला चोरां दा मेला, ठगां दा मेला, डंगरां दे विच मंडियां लगदियां भी कित्थे गए सी, डंगरां दीआं मंडियां लगियां सी, जे कोई डंगर वेचण गया सी, कोई खरीदण गया सी, हाँ भी मेला, पर इह मेला किहड़ा है। माफ करना विछड़िया मेले प्रभु, विछड़िया विछड़िया मेले प्रभु, हर दरगे का बसीज, इह मेला किहड़ा, किरत करम के विछड़े कर कृपा मेलो, राम चार कुंड दा दस भरमे थके आए प्रभ की सामे, साडा मेला हो जाए मेला, मेला साडा गुरु गोबिंद सिंह मेला हो जाए, कलगीधर पातशाह ना मेला हो जाए, सच्चे पातशाह तेरे चरणा च विछड़िया तेरे चरणा ना साडा मेला हो जाए। मुकदी गल की खालसा जी, इस आनंदपुर साहब के मेले थे अमरदास जी माफ करना आप गुरु साहब ना मेला करने वास्ते आए, मेला मेला करने वास्ते आए, तो बाकी आप पूपने पापने तो बजा के कई तुर जाना, एदा तुर जाना, पर आ जिहड़े बैठे हो आ समा तुहाडा समा, अज गल समझाउणी की औखी है, इत्थों ईमेल करो फैक्स करो अमरीका कनेडा इंग्लैंड नूं, इत्थों कीती ईमेल
जिमें जिमें ईमेल की जा रही है, ईमेल अमरीका कनेडा इंग्लैंड जिथे की जा रही नालों नाल जा रही है। आ समा जिहड़ा तुसी गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां च लाउंदे हो, आ समा तुहाडा दरगाह च गुरु नानक साहिब दे चरणां च जा रहा। खालसा जी, समा ओ समा जेड़ा गुरु नानक दे चरणों में जा रहा। पर जरा ध्यान देना पवेगा, आए ने भागा वाले, वह बिना भागा तो इतने थोड़ा आया जाता है। वड्डे भाग बेटे गुरुदेवा, सारे बड़ो वड्डे भाग बेटे गुरु, कोट प्राध मिट हर सेवा। इस पवित्र धरती से अमर छकाउन तो बाद कहते ने अगला वरा आया, तो सिखा ने बेनती की महाराज होली आई, होली आई, होली आई, तो होली गई। अजकल तो होली की बन गई, झाती मार के देख लो चंगे चंगे सजना के कपड़े भ्यो दिते जाते हैं। आ होली आ रही, सिख होली मनाते, माफ करना हिंदू भरा होर धर्मां दे लोग होली मनाते, सानू की हुक्म, सानू की हुक्म। कलगीधर पातशाह कहते हो तुहानू हुक्म नजर नहीं आता, एक पासे जालम की तलवार ते उन्हें कसम खाधी कुरान शरीफ हजरत मुहम्मद की, भारत की धरती का दूजे धर्म का दीवा नहीं जगन देना। कहते रंगा वाली होली हुण ये नहीं करनी पैनी, होली खेडिया नहीं सरना, हुण होली खेडिया नहीं सरना, हुण होली खेडिया नहीं सरना, होली खेडिया नहीं सरना, हुण होली खेडिया नहीं सरना, होली खेडिया नहीं सरना, हुण होली खेडिया नहीं सरना, हुण होली खेडिया नहीं करना, हुण होली खेडिया नहीं सरना, होली खेडिया नहीं सरना, हुण होली खेडिया नहीं सरना, होली खेडिया नहीं सरना, ओ होला खेडना पैना, होली खेडिया, होली खेडिया नहीं सरना, होला खेडना पैना, होली खेडिया नहीं सरना, हुण होला खेडना पैना, होली खेडिया नहीं सरना, होली खेडिया नहीं सरना। की करना झूठे रंगा ने, करना झूठे रंगा ने, की करना झूठे, करना झूठे रंगा ने, करना झूठे रंगा ने, करना झूठे रंगा ने, की करना, की करना झूठे रंगा ने, की करना झूठे रंगा ने, हुण खून बहाउणा पैणा, होली खेडिया, हुण होली खेडिया नहीं करना, खून बहाउणा हुण होली खेडिया नहीं तरना, खून बहाउणा पैणा, तो प्रेम के लड़का चाओ बड़ी गली, तू मार्ग पैर तरी जा, सर्दी जै कानकी जै। ओ सजनो, समा थोड़ा गल बहुत ही करनी है, माफ करना। जितू मुकती मजनू रांझिया दी, जितू मुकती मजनू ओतू शुरू दस पान साड़ी। ओ लोग जरा चिड़िया तू डरदे सन, ओ लोग मैं करना। खालसा जी एक बारी करोगे कृपा, समा थोड़ा गल बहुत ही कहनी है। गुजरी दा लाल ने सिखी दा बूटा लाया, गुजरी दा लाल ने ओए सिख
ਸੁਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ लाल ने गैरत दा बूटा लाया गुजरी ते लाल ने सिक्खी दा बूटा लाया तू पानी जड़े गैरां दा पाते सी सदियां तू पानी जड़े गैरां दा पाते सी ओए सदियां तू पानी जड़े सदियां तू पानी जड़े गैरां दा पाते पानी जड़े गैरां दा परदेसी पानी जड़े मौत ते आउण तू पहला मौत ते आउण तू पहला पहला ही मर दे थी मौत ते आउण तू पहला पहला ही मरदे सी मौत दे आउण तो पहला करती कमाल वेखो खंडे दी तार ने करती कमाल वेखो खंडे दी तार ने ओए करती कमाल वेखो खंडे दी तार ने करती तार ने करती कमाल वेखो खंडे दी तार ने करती कमाल वेखो खंडे दी तार ने करती कमाल वेखो सिक्खी दा बूटा लाया गुजरी दलाल ने ओए सिक्खी दा बूटा लाया गुजरी दलाल ने सिक्खी दा बूटा लाया पहचानिया तरतीन के खेता पुरजा पुरजा कट मर सजनों नौवें पातशाह दी शहीदी तो बाद नौवा गुरु ना दिल्ली च शहीद हुंदा नौवा गुरु ना जे दिल्ली च शीस दंदा अज सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान हुंदा लाल किले ते झूलदा चन तारा बैठा दिल्ली दे तख्त कोई मामन खान हुंदा ओ गल खत्म होंदी इथे इंसानियत दी हरदा ही इथे शैतान हुंदा तेग बहादुर सिद्ध दी चादर जे ना दिल्ली जाते हिंदुआं दे गल जज्जू ना हुंदे सिख ना कातरे पौंदे ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज कुर्बानियां ना कर दे शायद आज ये नक्शा इस देश दा वेखण नूं ना मिलदा तोर के तत्गुरु दिल्ली दे पल तोर के तत्गुरु
बच्चा बच्चा रोया सी सतगुर तेग बहादुर वर्गा ना कोई होया ना होया जी नौवें पातशाह दी शहीदी ने मीडिया का जमाना नहीं सी अखबार नहीं सी निकलती टीवी का जमाना नहीं सी पर सतगुर पातशाह ने आनंदपुर तो दिल्ली तुर लगे हाँ अपने चौजी प्रीतम बाला प्रीतम गोविंद राय नूं गल कही सी कश्मीर दे पंडित दे नारा पंडतां दे हा दा नारा मारन ते साडे टुब्बे जांदे हिंदू धर्म की रक्षा की जावे चौजी प्रीतम उदासी च खलोते कश्मीर दे पंडतां वल तकदा सी कदी बापू वल तकदा सी बापू ए कौन ने ए उदास क्यों ने इत्थां सतवें पातशाह गुरु हरराय साहब ने माफ करना भुखा ने मारे लोगों राज बख्शे शहनशाहियां बख्शियां माफ करना हजूर ने आख्या थी बेटा कश्मीर के पंडित ने एक बेनती लैके आए ने फरियाद लैके आए ने कि साडा हिंदू धर्म खतरे च आ माफ करना साडे हिंदू धर्म की रक्षा की जाए सानू बादशाह औरंगजेब जबरदस्ती इस्लाम च लिआउणा चाहुंदा जोज प्रीतम ने आख्या जी बापू इन्हां दा धर्म किवें बच सकदा आख्या बेटा जा कर को बहुत वड्डा महापुरख अपनी कुरबानी दे देवे इन्हां दा डुब्बिया जांदा हिंदू धर्म बच सकदा है महापुरखा ऐवें वहम है साडियां दुश्मनां नूं ऐवें वहम है साडियां दुश्मनां नूं असी होवांगे बोत चार लोकां असी इक मोए दस जमना है दस इक मोए दस जमना है दस मोए ते कई हजार लोकां असी मारियां मुकाया मुकना नहीं एडी लंबी है साडी कतार लोका आख्या जी बेटा कोई बहुत बड़ा महापुरख अपनी कुर्बानी दे देवे डुबा जाता हिंदू धर्म बच सकता पातशाह ने आख्या जी पिता जी मैं सुन के हैरान हो रहा समा थोड़ा गल कोई इशारे मात्र की जा रही है मत लोग की धरती तो की तिना लोगों के चौदह भवन की धरती तिना लोगों के चौदह भवन भला थोड़े तो वाला महापुरुष कौन हो सकता है आप कृपा करो इनका धर्म किवें बच सकता आख्या बेटा ਸਰਦ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਧਰਮ ਸਰਦ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਜੁੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਜੁੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਧਰਮ ਸਰਦ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਜੁੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਧਰਮ ਸਰਦ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ बाज नहीं बजता धर्म सिर दुतिया बाज नहीं दुतिया बाज नहीं पाइता धर्म सिर दुतिया बाज नहीं पाइता धर्म सिर दुतिया बाज नहीं बजता
बाज नहीं बजता धर्म सिर दुत्या बाज नहीं बजता धर्म खेत पक्का छिड़किया सिस्तिया पर सर नदिया अजकल कहते मीडिया का जमाना लोकी अखबारां च ना दिंदा मेरा ना होवे सज्जनो एक बारी कह रहे वैरू कोई टीवी से एडवरटाइजमेंट करांदा मेरा ना होवे अखबारां रुल जांदियां सवेरे अखबार खरीदो तो दोपहरे मूंगफली वेखदी हुंदी महापुरखो एक दिन मुंडा कहिंदा बाबा जी रिओड़ियां खाण नूं जी करदा तेने अखबार दे विच ना उन्हें रिओड़ियां वाले ने रिओड़ियां पा के दित्तियां ते मैं कह यार अखबार च पा दित्तियां ओह रिओड़ियां वाला दा बाबा फिक्र ना करो नवी अखबार अज दी अखबार है कोई टीवी ते ना दिंदा ऐड दिंदा अखबारां च ऐड दिंदा ओह गुरु गोबिंद सिंह ने खून दी ऐड दित्ती खून दी ऐड दित्ती खून दी उस खून ने सारे हिंदुस्तान जगा के रख दिता और खून इना पवित्र सी हाँ एक जगन्नाथपुरी दे रहन वाला सी पंजा प्यारियां च भाई हिम्मत राय जगन्नाथपुरी समुंदर दे कंडे ते उड़ीसा दी राजधानी तो 83 किलोमीटर परे बाबा और खून दी और खून दी सुगंधी सारे हिंदुस्तान च फैल गई महापुरखो कई बार आस्ट्रेलिया अमरीका जाने जंगलों नूं अग लग जांदी जंगलों के जंगल सड़ जांदे उस खून ने जगा दिता ओ खून की आवाज सुगंधी बिदर तक भाई मोहकम सिंह दे कन्नां च पहुंची ओ पवित्र खून की सुगंधी दिल्ली भाई धर्म चंद पहला ना धर्म चंद सी लाहौर तक भी पहुंच गई कह दियो वाहेगुरू लाहौर तक पहुंच गई पवित्र सुगंधी हां सजण इस पवित्र खून ने सारे हिंदुस्तान जगा कर दिता दुनिया के लोग महापुरखों नौवे पातशाह की शहीदी तो बाद जूड़ नालू मरना चंगा समझन लग गया सन जूड़ नालू जिंदगी नालू मौत चंगी समझन लग पै सनो नौवे पातशाह शहीद कर दिते धर्म खेत साका जिनकी आ सिस्तिया पर धर्म खेत साका जिनकी आ द्वापर युग च कृष्ण भगवान ने एक द्रौपदी का पर्दा ढकया ने पर सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने तो भारत की धरती से वसण वाली करोड़ा करोड़ा धीं भैणों के परदे ढके ने खालसा जी तिलक चंजू साखा प्रभ साका कीनो पढ़ो कलू मैं साका ए पंक्तियां इस गल की अगवाई दे रही ने गुरु गोबिंद समार की बाणी तेज बहादुर के चलत पयो जगत में है सब जग पयो जा जग संसार च है दा मतलब हाहाकार मच गई ओ साडे प्यारे महबूब साडे सतगुरु गुरु तेग बहादुर ने शहीद कर दिते गए अगे देवत्या ने फुल वरसाए कि गुरु तेग बहादुर मार दे दर्शन सानू हो रहे ने है सब जग दो पाखे दसे ने एक पंक्ति च है सब जग पयो जय 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 सुर लोक देवत्या दे लोक च हा हा कर जग तू विचू
ਕੀ ਗਈ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਦੇਵ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਗਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਗਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਗਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਪਲ ਜਗਤ ਕੋ ਜੈ 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 ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕਦਮ ਫੜਿਆ ਛੇੜਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਈਆਂ ਨੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਆਪਣੇ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਐਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਜ ਤੜਵਾਵਾਂਗਾ ਐਸਾ ਹੀ ਪੰਥ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਜ ਤੜਵਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਜ ਤੜਵਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਵਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਵਾਵਾਂਗਾ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਪੜੋ ਬਾਜ ਤੜਾਉ ਕਿਤਨਾ ਕੌਣ ਫੇਰ ਮਰਾਉ ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਅਬਾ ਕੋਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕਦਮ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਦਾ ਬਾਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਸੱਜਣੋ ਮਾਫ ਕਰ ਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ 33 ਵਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਚੱਪਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਜ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਾ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸੋਮਨਾਥ ਵਰਗੇ ਮੰਦਿਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਗਨਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਤਨਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੈਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਜੰਗ ਲੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਚ
एक बारी कह दियो वाहेगुरु, वाहेगुरु, एक बारी फिर करो कृपा, कह दियो वाहेगुरु। हां महाराज ने गुलामी तो सानू क्या होए, जिनकी जात वर्ण कुल माही सरदारी ना, इन्हीं को सरदार बनाऊ तब मैं गोविंद सिंह नाम कहाऊ। मैं ना गरीब सिखा नु बादशाहियां बख्श दियांगा, बादशाहियां बख्श दियांगा, शहनशाहियां बख्श दियांगा। औरंगजेब की शर्त सी सज्जन कोई चंगा घर बना के नहीं रह सकता, एक बारी कह दियो वाहगुरु। कोई घोड़सवारी नहीं कर सकता, कह दियो वाहगुरु। कोई किसे किस्म का शस्त्र नहीं रख सकता, फौजा नहीं रख सकता, अज की तरह सजते दीवान रहे चूलते पंत महाराज के शरेआम। कोई दरबार नहीं लगा सकता, हां नौच दा बाबा चाकू फड़ के बाजार चो लंघ जाना ते पुलिस वाले भरा फड़ लेंदे तुहाडा जदे जकां जदे चलान। की गल है, तुसीं बोलदे क्यों नहीं? श्री साहब भावे 10 फुट की लम्मी फड़ लो, कोई चलान नहीं। साढ़े न्यांग सिंह एडे एडे बड़े गंडासे, कहते बाबा जी की कहते हो, गंडासे चक्की फिरते ने, कोई चलान नहीं। एक बारी कह दो वाहेगुरू, ये तो फ्री सबर करते ने। जे टीटी पुछदा टिकट कहते ने कितने की लैनी है, तुरदी दे दी तेनू। वाह बाजा वाले तू बंदियां च जान पा गया, एक बारी कह दे वाहेगुरू। ओ तू बंदियां च जान पा गया ना, केसरी पगां च जान पा गया। महाराज कहिंदा कल नूं लोकी होली खेडणगे ते असीं होला खेडणे, पुस्कारियां भर लईआं, पता नहीं गुरु नूं कहिड़ा रंग पसंद आउंदा। कह दे वाहेगुरू, केड़ा रंग पसंद आउंदा ते पंज पंज दस दस पुस्कारियां ऐसा धरती ते। क्यों बाबा जी, प्रशादी हाथी का दूजे दिन कलगिया वाले पातशाह तैयार ने। कहो जे सिख होए, ओए कहो जे सिख आ, जिथे साजी फौज अकाली, जिथे साजी साजी फौज अकाली, पंथ दे वाली उतरती आनंदपुर दी संगते संगते, धरती आनंदपुर दी जिथे साजी साजी फौज अकाली। सर पड़ो अकाली, साजी फौज अकाली, जिथे साजी साजी फौज अकाली, पंथ दे वाली संगते, धरती आनंदपुर दी जिथे साजी जिथे साजी फौज अकाली, साजी साजी फौज अकाली, पंथ दे वाली, धरती आनंदपुर दी बाबा बाबा, धरती आनंदपुर दी जिथे साजी साजी फौज अकाली, जिथे साजी फौज अकाली, जिथे साजी साजी फौज अकाली, पंथ दे वाली धरती आनंदपुर दी संगते संगते, धरती आनंदपुर दी जिथे साजी संगते, अखालसे ने खून डाल के संगते संगते, अखालसे ने खून डाल के जिथे टाकरे टाकरे जुलम दे कीते, साल कई बीतक धरती आनंदपुर दी संगते संगते, आनंद जिथे साजी
साजी फौज अकाली पंथ दे वाली धरती आनंदपुर भी संत जिथे साजी फौज अकाली जिथे साजी साजी फौज अकाली पंथ दे वाली धरती आनंदपुर भी संत संत धरती आनंदपुर भी जिथे साजी आप हर एक रंग है आपे पहोरंगी जो तुझ पावे नानका साई काली चंगी खालसे ने पचकारियां भर लिया और दाता सारिया रंगा च खेड़दा पर पता नहीं दाते नू रंग केड़ा पसंद आ सारिया रंगा दे विच खेलदा आपे प्यारा एक रंग है सारिया रंगा दे विच खेलदा आप प्यारा एक रंग है खेलता आप प्यारा एक रंग सारिया रंगा दे विच तुहाडे सारिया दा गुरु गोबिंद सिंह दी प्रताख नजर पै रही है प्रताख दम दितिया बाज नहीं दम मिलता टोने दमा दे बाज नहीं टोए जांदे खुशी बाज नहीं कदे भी हसिया जांदा रोने गमा दे बाज नहीं रोए जांदे दर्द होवे ता सीने विच शेक पैंदे शेकू बाज नहीं मोती परोए जांदे लगे दाग गुलामी दे जड़े लोको ते बिना खून दे नहीं है तोए जांदे जद शक्ति शमा आजादी दी पमटानू सड़ना पैंदा है सिर तली टिकाउने पैंदे ने बिन सिर दे लड़ना पैंदा है तविया ते बैना पै जांदा कंधा विच खड़ना पैंदा है दिल्ली विच वांग दे आले दे देगा विच करना पैंदा है तंग आके जून गुलामी तू तंग आके जून गुलामी तू लड़ मौत दा फड़ना पैंदा है लानत दी जिंदगी नालों मरना ही चंगा लानत दी जिंदगी नालों मरना ही चंगा है लानत दी जिंदगी ਖੋਂਦਿਆਂ ਰੋਵੀਏ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੋਵੀਏ ਨਾ ਖੰਡ ਖੀਰ ਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਅੱਕੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਈਏ
ते मारन मूड़ फिर मात तू चकी है ना कर हुंदिया सुदिया नार अपनी फिर वल पराई दा तकी है ना गुरसिख होवे ते गुरु दा ध्यान होवे साधु होवे ते आत्म ज्ञान होवे सबे बरकतां उस विच हुंदियां ने ते जेड़े मर्द दी एक जुबान होवे कोई ऐसा ही पंथ सजा दूंगा ऐसा ही पंथ जड़ा दूंगा कोई ऐसा ही पंथ सजा दूंगा ऐसा पंथ सजा दूंगा कोई ऐसा पंथ सजा दूंगा ऐसा पंथ सजा दूंगा कोई ऐसा ही पंथ सजा दूंगा ऐसा ही पंथ सजा दूंगा कोई ऐसा ही पंथ सजा दूंगा कोई ऐसा पंथ सजा दूंगा चिड़िया तू बाज मरवा 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 दूंगा सब पंथ सजा दूंगा कोई ऐसा ही पंथ सजा दूंगा कोई ऐसा ही पंथ सजा दूंगा कोई ऐसा ही पंथ सजा दूंगा पर जो मर्द अगम उड़ा बरियाम अकेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला कंदा होला महला सिंगा ने पछकारियां भरिया इंतजार करन पता नहीं मालिक नू केड़ा रंग पसंद हुंदा एक बारी कह दियो वागुरु पता नहीं मालिक नू केड़ा पसंद रंग पसंद हुंदा जेड़ा रंग हां जेड़ा रंग मालिक नू पसंद हुंदा और रंग दियां पचकारियां असीं भी मार देंगे पर छाती ते हाथी ते सवार पंज प्यारे त्यार बर त्यार हजूर दे फौजी जवान और लखा लखा मात पाउण वाले सूरमे सिख हजूर दे नाल इन्हें दिन रणजीत नगारा भी तैयार किया गया रणजीत नगारा जिथे वजदा सी बल्ले 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 अब बाई धर दे राजे तां ऐ डरदे सन जिवें बदलों की गरज तू डरते बच्चे घर च वड़ जाते ने शर्मतान विच गजिया गिदड़ा नू पईआं पाजिणा शर्मतान विच गजिया गिदड़ा नू पईआं पाजिणा मर्द अगर मुड़ा भरिया अकेला बाबा गोविंद सिंह आपे गुरु चेला संगतां तैयार कर रही ने एक पास होलियां मनाउण वाले होलियां मनाउण वाले कच्चे फिक्के रंग सट्टण वाले एक पास जो बाबा रंग दम जीठी चोला मेरा रंग दम जीठी चोला रंग दम जीठी चोला मेरा रंग दम जीठी चोला Bang 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 bang
ਚੰਦਮ ਜੀ ਚੋਲਾ रंगन चेथिये प्यारे पाइये ना रंगन वाला जे रंगे साहब ऐसा रंग नडीठ हजूर आए न एक पजकारी खालसा दी पातशाह दे हाथ च वी गया हजूर ना मारी पजकारी विचों रंग केड़ा निकलिया केसरी केसरी रंग माफ करना जो केसरी रंग निकलिया तो सिंह ने दूजिया पजकारियां सड़ दतिया केसरी रंग दी इन्ना होला महला खेड़ना शुरू किया और कि घोड़िया दिया दौड़ा तो कि गदके बाजिया नेजे बाजिया देखते पंथ की बोले सानिहा गज गज कारा बुलावे गुरु गोबिंद सिंह दे मन नूं भावे बोले जिंकारियां ते निगारियां दी गूंज नाल आ पहाड़ी एरिया गूंज उठिया एक सुथरे शाह ना करके सिख होया महापुरख बड़ा हासरस दा सिख सी बड़ा गुरु साहब दी खुशी सी आदत है कि समा बनिया विचार करांगे सुथरे शाह ने लक नूं घुंगरूआं दा हार बन लिया मूंह कर लिया काला नाचर मन लाचर गुर के आगे नाचर मन नाचर गुर के आगे नाचरे सारे पढ़ो सुथरे शाह हथा दे हाथ मार के ते नचदा और कलगियां वाले पातशाह दी नजर पई आख्या सुथरे शाह की कीता आ की कीता सुथरे शाह तेरे तन ते कपड़े नहीं मुंह काला अब तेर द्वारे घुंगरू बने होए ने ते भाई सुथरे शाह ने आख्या महाराज मैं नजर वट्टू बनिया तेरे पंथ दा जलाल अज चलिया नहीं जांदा सच्चे पाव मेरे सतगुरा नजर वट्टू बन के अगे अगे जा रहा तेरे पंथ नूं किसे दी नजर ना लग जाए इन्हें आख्या गरीब नवाज ए प्रताप तुम्हारा जी ए प्रताप तुम्हारा जी ए प्रताप ए प्रताप तुम्हारा ए प्रताप तुम्हारा जी ए प्रताप तुम्हारा जी ए प्रताप तुम्हारा जी तुम्हारा जी ए प्रताप तुम्हारा जी इनू नजर ना किसे दी लग जे इनू नजर ना किसे दी लग जे इनू नजर ना किसे दी लग जे प्रताप तुम्हारा ए प्रताप तुम्हारा जी ए प्रताप तुम्हारा
प्रताप तुम्हारा जी, प्रताप तुम्हारा कवन मूल ते मनुख करिया, ए प्रताप तुम्हारा प्रभ जी मोह कवन नाथ बेचारा। आख्या कनकियां वालिया अजकल कहते गाने चल पे नच लैण दे मैनू, हां जी दियोर दे व्याह च नच लैण दे, दसा घरां दा घरां दे वेड़िया दा माफ करना मिट्टी पुट के सुट देंदे ने। और कलगियां वाले पातशाह दे दोवे पुत्र साहिबजादे शहीद हो गए चमकौर की गड़ी च, अजोर जंग च जाण दी तैयारी, कहिंदे दया साहब मैनू नच लैण दे, मैनू नच लैण दे महाराज नच लैण दे, और मैनू तेगां दीआं धारां उत्ते नच लैण दे, मैनू तेगां दीआं मैनू तेगां दीआं धारां उत्ते नच लैण दे, मैनू नच लैण दे। हां आख्या महाराज तेरे पंथ नूं किसे दी नजर ना लग जाए। कलगियां वाले पातशाह घोड़े तों थले हाथी तों थले उतरे ते सुतरे शाह दे हत्थां जत पाला। सुतरे शाह कहिंदा प्रताप तुम्हारा जी ते पातशाह की कहिंदे, सुतरे शाह हमारा जी, 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 ए प्रताप तुम्हारा, ए प्रताप तुम्हारा जी, ए प्रताप कौमा नहीं इस गलो असी तुहदियां पूर जमे हूं वालिया। सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह शहीद, और सरदार करतार सिंह सराबा फांसियां ते ना लगदे, और सानू इत्थे किसी ने की वसण देना सी खालसा जी। मरद आजादी वाले नारे ऊचे, मरद आजादी वाले नारे ऊचे, मरद आजादी वाले नारे ऊचे, बनदियां कौमां नहीं इस गल्लां, बनदियां कौमां नहीं इस गल्लां, असी राजियां दे बहुते पूर जम्मे। एक्टरां दी दुनिया च तुर जाइए महापुरखां, एक्टरां दी दुनिया च चले जाइए, और जद किसे शहीदां दी पिक्चर बनाउण दा सवाल आउंदा, इन्हां नूं भी जा उधम सिंह मिलदा, जा सरदार भगत सिंह मिलदा, जा करतार सिंह सराबा मिलदा। उधम सिंह सुनामी सुनिया उठ के भारत की बदनामी, हां समा क्या नहीं दिंदा। वाह बाजा वाले तू कहो जा सिख पैदा कर गया, माफ करना खालसा जी, सारा दिन होला महला मनाउंदा रहा, गल्लां दिल्ली तल दरबार तक पहुंचिया, उस जालम दे कन्नां तक पहुंचिया जिसने सतगुरु तेग बहादुर महाराज शहीद किया, जिसने भाई बत्ती दास सती दास भाई दयाल दास वर्गियां नूं शहीद किया। हां उहदे कन्नां तक पहुंचिया, चुगलखोरां ने आखिया बादशाह सलामत गुरु तेग बहादुर महाराज साहिबजादा गुरु गोबिंद सिंह तेरियां शर्तां तोड़ दित्तियां ने, तां बेड़ा ही बाई धर दे राजियां दा गर्क होया महापुरखां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दिल्ली नूं वधना चाहुंदे सन, दिल्ली नूं एक बारी कह रहे वाहिगुरू, दिल्ली नूं वधना चाहुंदे सन, इन्हां बाई धर दे राजियां ने खालसा जी आनंदपुर साहब दे घेरे समां गुरु साहब दे माफ करना खिलाफ समय की हुकूमत ना खड़े सन,
जे बाई धर दे राजा गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा च आ जांदे शायद सदियां दी गुलामी ओदू दूर हो जांदी। माफ करना जेड़ा दिल्ली नूं वधणा सी पाछा आनंदपुर साहिब छड के चमकौर साहिब चमकौर तू वड्डे साहिबजादे सिंघां दा शहीद हो जाणा राजकोट दे इलाके नूं जाणा। खैर आखिया सारियां शर्तां उन्हें फौजां भी रखनियां शुरू कीतियां ने तख्त सजाउणा शुरू कीता है राजा महाराजा वांगू राज दरबार भी हां लगाउणा शुरू कर दिता है। राज महाराज जोग मैं जोगी तब मत पी सर सुख पाया नानकपुर का किने अंत न पाया था खालसा निशान साहब झूलते ने वागा बार्डर वेख्या बाबा वाई जू नाथ स्पीक क्यों नहीं तुसी बोलते वागा बार्डर पाकिस्तान इंडिया सवेर का समय झंडे चलाए जाते ने शाम दे समय झंडे डाउन की प्रताप तुम्हारा ए प्रताप तुम्हारा जी ए प्रताप बन दिया कौमा नहीं इस गलों असी सरदार भगत सिंह सरदार उधम सिंह शहीद और सरदार करतार सिंह सराबा फांसियां ते ना लगदे हो सानू इत्थे किसी ने की वसण देना सी खालसा जी मरद आजादी वाले नारे ऊचे मरद आजादी वाले नारे ऊचे मरद आजादी वाले नारे ऊचे बनदियां कौमां नहीं इस गल्लां बनदियां कौमां नहीं इस गल्लां असी राजियां दे बहुते पूर जम्मे एक्टरां दी दुनिया च तुर जाइए महापुरखां एक्टरां दी दुनिया च चले जाइए और जद किसी शहीदां दी पिक्चर बनाउण दा सवाल आउंदा इन्हां नूं भी जा उधम सिंह मिलदा जा सरदार भगत सिंह मिलदा जा करतार सिंह सराबा मिलदा उधम सिंह सुनामी सुनिया उसके भारत की बदनामी। हां समा आख्या नहीं दिंदा वाह बाजा वाले तू कहो जा सिख पैदा कर गया माफ करना खालसा जी सारा दिन होला महला मनाउंदा रहा गल्लां दिल्ली दरबार तक पहुंचियां उस जालम दे कन्नां तक पहुंचियां जिसने सतगुरु तेग बहादुर महाराज नूं शहीद कीता सी जिसने भाई बत्ती दास सती दास भाई दयाल दास वर्गियां नूं शहीद कीता सी हां उहदे कन्नां तक पहुंचियां। चुगलखोरां ने आखिया बादशाह सलामत गुरु तेग बहादुर महाराज साहिबजादा गुरु गोबिंद सिंह तेरियां शर्तां तोड़ दित्तियां ने तां बेड़ा ही बाई धर दे राजियां दा गर्क होया महापुरखां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दिल्ली नूं वधना चाहुंदे सन दिल्ली नूं एक बारी कह रहे वाहिगुरू दिल्ली नूं वधना चाहुंदे सन इन्हां बाई धर दे राजियां ने खालसा जी आनंदपुर साहिब दे घेरे समां गुरु साहिब दे माफ करना खिलाफ समय की हुकूमत ने खड़े सन जे बाई धर दे राजा गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा च आ जाते
शायद सदियां की गुलामी उदू दूर हो जाती। माफ करना जरा दिल्ली बदना सी पाशाह आनंदपुर साहब छड़ के चमकौर साहब चमकौर तू वे साहबजादे सिंह का शहीद हो जाना रायकोट के इलाके जाना। खैर आखिया सारिया शर्त उन्हें फौजा भी रखनिया शुरू कीतिया ने तख्त सजाना शुरू किया राजा महाराजा वांगू राज दरबार भी हां लगाना शुरू कर दिता। राज महाराज जोग मैं जोगी तमक पीसर सुख पाया नानकपुर का किने अंत न पाया था खालसा निशान साहब झूलते ने वागा बार्डर वेख्या बाबा वाई जू नाथ स्पीक क्यों नहीं तुसी बोलते वागा बार्डर पाकिस्तान इंडिया सवेर का समय झंडे चलाए जाते ने शाम के समय झंडे डाउन किए जाते हैं उतारे जाते हैं। आ केसरी निशान साहब जिथे चढ़ गया ना मुड़ के लेंदा नहीं क्योंकि उन्हें रंग दिता गुरु गोबिंद सिंह ने कुर्बानिया का रंग दिता कुर्बानिया का रंग कुर्बानिया का रंग दिता उन्हें कुर्बानिया का रंग। हाँ दुनिया के लोगों ने तुहाडा तबसरा किया तुहाडे धर्म के मुतालबे किए ने पर सिखो तुसी अपने धर्म नूं भुलदे जा रहे हो तुहाडे वास्ते चंगी गल नहीं। एक बार कह दे मैनूं अज कुछ लैके जायो जे कलगी तरपाशा के चरणों च अरदास करके जायो बाजा वाले आ जदों तुसी अगली बारी होले महल्ले ते आईए साडा सारा परिवार केसा धारी ते अमृतधारी होवे। हां ऐसे ऐसे सिख पैदा कर दिते ने उस गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हां दे चेहरियां दा जलाल। हां शस्त्रधारी सिंह जिन्हां दा दर्शन करियां जिन्हां दा दर्शन करियां ਬੱਲੇ 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 ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਈ ਧਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ खालसा का कहना कल जंग के मैदान झाती छड़िया जाना शराब पिया के आख्या कौनी फिर सिंह हाथी का मुकाबला साडा हाथी करेगा महाराज साडा हाथी केड़ा भाई दुनी चंद मसंद दो बाल्टियां दाल कला ही पी जाता दो बाल्टी खुजी रोटी कहता थी मेरे जोगी रहन दो कोई गल नहीं के हाथी का मुकाबला हाथी करूंगा। ते महाराज ने आख्या दुनी चंदा अज समा आ गया गुरु घर दाड़ा नमक खाता उन्होंने लेखे लाला सबला करना कल नू हाथी का मुकाबला करना तू महाराज जरूर करांगे। एक बारी कह रहे हो वाहेगुरु जरूर करांगे जरूर करांगे। पैरा थलो मिट्टी निकल गई तो दिमाग समान पै गया हाथी का मुकाबला उन्हें तो सुन सुनना सुन जी लपेट के पड़का पड़का के मार देना हाथी का मुकाबला केड़ा करूंगा। रात पई दे नाल दे मसंदा नू कहिंदा कहिंदा बड़ा मोटा हो गया सी आंदा मैनू किले की दीवार तू बाहर करो कटो दीवार ना खड़ा सी दरख्त दरख्त ना रस्सा बनिया
जो रस्से हाथ पा के ना लगा उतर तो रस्सा टुट गया तो लत टुट गई घर गया तो सप लड़के मर गया। गल बहुत लंबी आ उधर ना जा उधर ना जाइए। दूजा दिन फंकारे मारदा फी बल्ला 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 सिंह आख्या भी महाराज महाराज हाथी ना हाथी कहता सी लड़ेगा मार कहते कितने गया तुड़ी जो मारा रहा भाई हरण हो गया उधर रहा ही दौड़ गया। हुण इतिहास दसदा और भाई बचित्र सिंह का शरीर साढ़े चार फुट का सी साढ़े चार फुट का अज की साइंस ने बाबा यह गल सिद्ध कर दी है जिनी कोई चीज सूक्ष्म होती सूक्ष्म कहते छोटी जिनी चीज कोई सूक्ष्म होती शक्ति उन्नी ज्यादा होती है। अजकल एक गल चलती पी कि यूरेनियम तो बिजली पैदा की जाएगी एक तोला यूरेनियम है ना जड़ी वह सारे हिंदुस्तान दियां फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां कारखाने सब चला सकती है एक तोला। ओ महाराज दे सिख होए सच्ची गल है बल्ला बल्ला अमर सिंह बाबा ओ अमर तो बीबी भागो दे अंदर तुर गया बल्ला 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 छक्के छड़ाते बढ़ गए के एक बारी कह दो वाहिगुरु एक बारी फिर कह दो वाहिगुरु एक बारी फिर कह दो वाहिगुरु। महाराज कहिंदे अच्छा हाथी दौड़ गया साडा साडा हाथी सौ दौड़ गया होली खेडिया नहीं सरना होली खेडिया नहीं सरना होली खेडिया होली खेडिया नहीं सरना होली खेडिया नहीं सरना होला खेडना पैना होली खेडिया हुण होली खेडिया नहीं सरना होला खेडना कच्चिया रंगा की करना कच्चिया रंगा की करना इना ओ खून चन्नौना पैना होली खेडिया हुण होली खेडिया नहीं तरना जो लरे दीन के ओ पुर्जा पुर्जा कटवरा ओ कबू न छदा खेत मेरा दशमेश की नजर भाई बचित्र सिंह दे पई आंदा बचित्र सिंह बचित्र सिंह हाथी तो दौड़ गया आ आ जिहड़ा फंकारे मारदा हाथी आ रहा मत्थे ते सत तवियां बनियां होईयां सन सत तवियां अद्धे अद्धे इंच दियां मोटियां फाड़ा पचत्तर सिया नागनी अंदर पई होनी है जी हरिमंदर साहब के अंदर आ नागनी मार के हाथी का हाथी दियां मत्था पहाड़ दे भाई बचित्र सिंह जिन्हें जो पातशाह ने नागनी फड़ाई उन्हें शक्ति भी नाल ही दे दित्ती। भाई बचित्र सिंह कहिंदा महाराज तुसी कहिंदे नागनी नागनी मार के हाथी का मत्था पहाड़ दे और कलकइयां वालिया हुक्म करे तां नागनी मार के मालिया परपत नूं पहाड़ के सुट दे ए ओ ला मला कह रहे हो वाहिगुरु
होला महला जेड़ा अज तुसी मना रहे हो। जो मारी नागनी पाई बचत्तर सिंह सवार से उधरू हाथी का मथा बिन सुटिया पार सुटिया उधरू पैरों के थले रकाबा सरजड़िया दोवे टुट गई रकाबा दोवे टुट गई डाले फरके ने भाई उदय सिंह बचत्तर सिंह का छोटा भरा सी आंदा महाराज हुक्म करो आख्या दस पुत दस पुत की कहना चाहना आख्या हुक्म करो ते राजे केसरी चंद का सिर वड लियावा मेरे पातशाह कहिंदे ओ उदय सिंह मौका की वेखदा अगे बद के मारिया नेजा राजे केसरी चंद दे सिर च कीता तलवार दा वार सिर टंग लिया जिवें कद्दू तोड़दे ने जिमींदार कई वारी समझ गया होने सोने हाल का जकारा शाही फौजा भजदिया रह ना लबा यहो जे सिंह पैदा कर गया। दास ने आख्या तू साइंस दियां गल्लां करदा अमर शहीद बाबा दीप सिंह हरिमंदर साहब की बरादरी करने वास्ते शाही फौजा लाहौर तो चल के आ रही ने एवें अपने बाबा जी दमदमा साहब च रेंदे सन गुरु गोबिंद सिंह दा सिख कदी बुढ़ा नहीं हुंदा एक बारी कह दे वाहिगुरू एक बारी फिर कह दे वाहिगुरू। परसों एक बाबा कहिंदा बाबा नाभे तू अगे गैसां दा बाबा तुसीं कित्थों आए मैं क्या बाबा जी की गल आंदा बाबा तेरी आवाज बड़ी उच्ची मैं असीं पाकिस्तान तों आए हां कहिंदा पाकिस्तान दे लोकां दी आवाज ज्यादा हुंदी है मैं क्या बाबा पाकिस्तान के लोगों की आवाज की ज्यादा होनी है यह तो गुरु गोबिंद सिंह की बख्शिश बाबा तेरी गर्ज से तेरी आवाज च नहीं फर्क पिया मैं क्या शेर तो गुरु गोबिंद सिंह का सिख कभी बुढ़ा नहीं होता कदे नहीं बुढ़ा आता वो बुढ़ा होता ही नहीं बाबा जी गुरमुख बुढ़े गुरमुख बुढ़े पर मार गया मानमुख बार कबिर तो समान है जेड़ा मनमुखा जमदा है बुढ़े के बराबर है बहुत बड़े के बराबर है मुख ने गल की खालसा जी लगा सी पता बाबा दीप सिंह शाही फौजा हरिमंदर साहब से चढ़ के आ रही ने क्या खंडे की मुठ्ठी के हाथ वो बाबा दीप सिंह जिन्होंने जंगल के जंगली कच्चे बेर खा खा के चार गुरु ग्रंथ समर के सरूप लिखे इकवंजा जपजी साहब के पाठ नित रोज गुरु घर दियां बेअंत जिम्मेवारियां ते नितनेम दियां बाणियां दा पाठ भी करते रहे जाप करते रहे खिची खंडे दी कार करके जथेदार सिंघां नूं आख्या कठरे आख्या इस तों अगे ओह लंघे जिहनूं जिंदगी दी लोड़ ते मौत दी लोड़ नहीं माफ करना जिन्हां नूं जिंदगी दी लोड़ नहीं अपर हरिमंदर साहब दी पवित्रता नूं बहार रखण वास्ते जाणा संघ छाला मार मार के पार हो गए रस्ते विच रोक के आख्या जी सिंह जे जंग दे मैदान च दीप सिंह लड़दे लड़दे शहीद हो गया और दीप सिंह मरन तो बाद ही हरिमंदर साहब की पवित्रता नूं बहार रखण वास्ते लड़ेगा मौत ने भावी ने प्रगट हो के आख्या जी तुसीं की हो तुसीं ओ थोड़े हो तुहानूं कित्थे जोड़िया एक बारी कह दिओ वाहिगुरू एक बारी फिर कह दिओ वाहिगुरू एक बारी फिर कह दिओ वाहिगुरू तुहानूं हर थां ते अमृत नाल जोड़िया अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार अमृत पानी हर हर तेरी फिर अमृत अमृत पानी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी अमृत नाम निदान है सारे पढ़ो अमृत नाम मिल पीवो पाई
जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बजाई, फिर अमृत अमृत पिया सतगुरु दिया, अवर न जाने दुआ तिया, फिर अमृत अमृत नाम परमेश्वर तेरा, सारे पढ़ो अमृत नाम परमेश्वर तेरा, मौत ने भावी ने प्रगट हो गया क्या दीप सिंह आगे प्रण किया कि दीप सिंह मरण तो बाद भी हरिमंदर साहब की पवित्रता बहाल रखने वास्ते लड़ेगा। क्या दीप सिंह माता हरिमंदर साहब नहीं पहुंचने देना? बाबा दीप सिंह ने आख्या गुरु गोबिंद सिंह सिख नु कौन रोक सकता, केड़ा रोक सकता, परे हट है, परे ट्रकां ने लिखिया पिछे हट है। फिर कदी सिख मात नु कहते थे पिछे हट है, पिछे मैं उस गुरु का सिख हां, तू अपनिया फड़ा मार दिया। वो नहीं सकता काल जिन्ना ने सुनिया जिन्ना ने सुनिया, वो नहीं सकता काल जिन्ना ने सुनिया जिन्ना ने सुनिया, छत तीर सुरनाथ सुनिए तत वले आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए कोई न सके काल। आख्या परा हर जा भावी कौन जमिया गुरु गोबिंद सिंह दा सख नू रोकण वाला। बाबा एक गल याद आई, इतिहासकामा दी जिंद जान है, सिख इतिहास अंदर एक ऐसा समा भी आया थी महापुरखो, वड्डा घलू घारा कुप पिंड दे नेड़े जिथे याद भी बनाई गई उन्हें शहीदां दी, 50,000 सिख बच्चा बच्ची का एक दिन कतल किया गया, एक दिन कतल किया गया सिख लखी दे जंगलां विच बीकानेर दे इलाके विच रहिंदे सन। अहमद शाह बदाली एदा नूरदीन नां दा वजीर कहिंदा नूरदीन मैं सिखां दे घर नहीं छड्डे, इक वारी कह दे वैसे इन्हां दे घर नहीं छड्डे, पिंड नहीं छड्डे, छौणियां नहीं छड्डियां, अड्डे नहीं छड्डे, यह सिख रहिंदे कित्थे ने? मैं मार मार के थक गया, यह मुकदे ही नहीं, ये नहीं मुकते, रहिंदे कित्थे ने? नूरदीन ने आख्या जी बादशाह सलामत यह मारिया मुकाया नहीं मुकने, ये नहीं मुकने मर मारिया मुकाया, जे इन्हों मुका चाहना इन्हों का इतिहास खत्म कर दे, इतिहास आपे मुक जाएंगे। पर नवाब साहब एक गल याद रखना, जदों तक सिख आनंदपुर साहब का चमकौर साहब का मुख सर का पौटे पंगाणी का इतिहास नहीं भुलता, उदों तक मर नहीं सकते। बाजा मारला प्रीतम मेरा खेड़ा कई खलार गया, सरसा कंडे खेरू खेरू ओता परवार गया, जिन्होंने मुकाना चाहना इंदा इतिहास खत्म करते, आंदा मार मार के थक गया, वड्डे टुके फिर तुरे आंदा ने, ये मरते ही नहीं। हाँ नूरदीन ने आख्या जिवें साडा मक्का है, जिवें इस्लाम का केंद्र मक्का है, इन्हां सिखां दा केंद्र
जितों धर्म की आवाज निकलती हरिमंदर साहब है वो तो चार फिर एक असी तो सरोवर साहब कहने आख्या कि जोड़ उत्थे 24 घंटे गुरबाणी का प्रवाह चलता है उस छप्पड़ का पानी जो पी लेंदे ने ना ये वड्डे टुके तुरे फिर मरन तैयार हो जाते हैं मौत इन्हां दे सिर नूं चढ़ जाती है बस कहते ने एक समय हरिमंदर साहब का सरोवरी प्रवास तक गया सी क्या दे वाहगुरु एक ऐसा समा भी आया सी हरिमंदर साहब के अंदर वेसवा नच रही मस्सा रंगड़ शराब पी रहा ऊके का दौर चल रहा चंडाल झोंपड़ी कठी हुई है भाई साहब भाई बलाका सिंह इन्हें कुछ वेख के अखंड खून उतर आया सोचिया जे मुकाबला किया ज्यादा ने पुजा लखी दे जंगलों में बीकानेर के इलाके जथेदार बुढ़ा सिंह मिलिया सिंह कोई आप अपना काम कार कर रहे सन पता लगा पंजाब तू एक सिख आया एक बार कह दौ वाहगुरु पंजाब तू एक सिख आया तो अगे वधे जथेदार बलाका सिंह ने आख्या बाबा जी जथेदार जी सिंह साहब जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह वाहगुरु जी का वाहगुरु जी की पुछिया जथेदार पंजाब जथेदार जथेदार बलाका सिंह पुछा भाई बलाका सिंह पुछा पंजाब का हाल की है आख्या पंजाब का हाल हूं याद आया बेसबा नच रही मस्सा रंग शराब पी रहा हुके का दौर चल रहा है चंडाल झोंपड़ी कठी हुई है कि छोटे होंगे पढ़ता हूं सर बच दरबार का खड़ा होके संघ दशा पंजाब की सुना रहा है कि दशा मैं दशा पंजाब की है सिर पाट के मूह नू आ रहा है वो तेरे पंथ काल दी शान सिंह वैरी खाक दे विच मला रहा है हुक्का पी रहा विच दरबार दे नाले शराब का दौर चला रहा है जथेदार बुढ़ा सिंह ने आख्या बलाका सिंह ओ बलाका सिंह तू उत्थे मर क्यों ना गया होली खेडिया नहीं सरना होली खेडिया होली खेडना पैना होली खेडिया हूं होली खेडिया नहीं तरना होला खेडना पैना खेडना पैना होली खेडिया नहीं सरना होली खेडिया नहीं सरना जे तो प्रेम खेलन का चाओ सब तली मेरिया तू मार्ग पैर तरी जै सिर दी जै कान लगी जै जथेदार बुढ़ा सिंह ने आख्या बलाका सिंह तू उत्थे मर क्यों गया इन्हें कुछ वेख के किवें यर गया किवें सह गया जथेदार बलाका सिंह ने आख्या आप लुकते फिरते हो तो मैनू कहते तू उ मर क्यों गया मैं मर सकता सी मैं उत्थे मर जाता तो इतने आके कौन दसता जथेदार बुढ़ा सिंह ने आख्या बलाका सिंह जब तू उ मर जाता और तेरी आत्मा सानू आके दसदी है हरिमंदर साहब के आप भाणा वरते हैं जथेदार बुढ़ा सिंह ने संगत की कठी खुली त्याग की गई दरबार सजाया गया टेबल के उत्ते एक तलवार रखी गई आख्या सिंह अरदास की गई सिंह कोई सूरमा उठे जेड़ा उस दुष्ट का सिर वढ़ के जावे समा थोड़ा सजड़ो मैं कई बार कहता हूं ना कि साड़ी सिखां दी बदकिस्मती है इहो जिहा पैगंबर साडे वास्ते इहो जिहा रहिबर इहो जिहा पैगंबर साडे वास्ते दुनिया ते आया जिन्हें सानू
सब कुछ दिता, अमृत दिता, अमृत वेला दिता, नितनिम दिता, सेवा करन दी जाय दसी, कुर्बानियां करन दी जाय दसी, जिन्हें सारा सरबन साढ़े तू वार दिता। जथेदार ने गर्ज भरी, ललकार भरी आवाज विच आख्या, सिंघो उठो कोई। जथेदार दे बचन सुन के, ऐ सुन के बचन मताब सिंह तलवार उठाई, दूजे सुखा सिंह ने उठ फतेह बुलाई। पर जथेदार दे सामने हो दोवें भाई, असी मसे दा सरवड़ीए, तुसी जो वड़ियाई। आख्या जथेदार जी अरदास करो, जदू बंदा गुरु दे राह दे तुर पैंदा है, ओह रुत्तां राह छड़ जांदियां बाबा जी, जंगल राह छड़ जांदे। जदू सिख गुरु दे राह दे चलदा, हां इहनू दरिया वी रस्ता दे जांदे ने। इक वारी कह दिओ वाहिगुरू। अज असीं उह गल्लां भुल चुके हैं, किते पढ़िया करदे सन महाराजा रणजीत सिंह नूं अटक दरिया ने रस्ता दे दित्ता, जदों नशहरे दी जंग होणी सी। अटक दरिया ने आख्या शेर पंजाब, तेनू पता होना जिदे मैं अटक हां। शेर पंजाब ने आख्या अटको दे नहीं जिदे मन च अटक है। अगू अटक गया मैं अटक हजे तू 9 लख दा सरदार, अटका जरा ठहर जा मैं हो जा तई तू पार। अटके अटके नहीं अटक जा, रुक जा फिर। उन्हें आखे में बड़ा बड़ा डॉब के मार दिता ने। शेर पंजाब ने आख्या तक मिहारा की कुड़ी सोनी नहीं जड़ी कच्चिया घड़िया दे दर्दी सी, अथा सियालां दी हीर नहीं जड़ी रांझा पछा दवानी होके फिरदी सी। उन्हें आख्या वेखिया ने मेरे पानी दियां लहरां, वेख्या मेरे पानी का भाव, कदे मिठे तो भुलेखे यार हूं ना चख लई। आख्या बराट, आख्या पानी ना मान कर दे, तेनू पता है तेनू पानी दे मान है, समय थोड़ा जी, तेरा ठंडा बर्फ का पानी है मेरे कोल गुरु दी, तेरा तेरा पानी वो पहाड़ा दी चोटियां तू जिथों चल के आंदा ना, मेरे कलगी तर पातशाह दा सच वासा ही उत्थे है। हेमकुंड पर्वत है जहां सब्द सुरंग सिंह तोबत है, ठंडा बर्फ दा पानी है मेरे कोल गुरु दी, जिथों पानी तेरा पैंदा उत्थे सतगुरु मेरा रहिंदा है। हां रोकना है मैं लग जाना मैं करके तैनू, सिंह करके लम्मी बाट गया अटक दा पानी पाट गया। मुसलमान कवि शाह महमूद लिखता कहता बाबा जी उदू मैं भी नाल था, क्योंकि शेर पंजाब मुसलमाना का बड़ा सत्कार करता सी। कित समा बड़िया ते विचार करांगे। उन्हें आख्या अटकदा पानी, अटकदा पानी जिहड़ा अटक दरिया दे कंढिया नूं बाहर जा रहा सी, पानी इन्ना थले उतर गया कि उत्थों एक कसाई का बकरा भी लग सकता सी। खालसा जी मुकदी गल की, खालसा जी इन्हां ने पाइया ने घोड़िया दे काठियां जी, एक बारी कह दिओ वाहिगुरू। इन्हां ने पाइया ने घोड़िया दे काठियां करके अरदासा सिंह तुरे ने, रस्ते च गल्लां करदे ने भी उत्थे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भेजिआ पंजी सिंह, 3.5 हथ लंबा निशान साहब, 5 तीर दित्ता ने, आखिआ बंदिआ भावें साहिबजादिआं दी शहीदी दा बड़ा दुख आ, पर साईं बुद्धू शाह बड़ी वड्डी कुरबानी कर गिआ। पहला सढौरा जाके सढौरा फतेह करना, साई बुद्धू शाह दे दुखियां नूं मारना, पर समाणा फिर सरहंद दी इट ने टकड़काउणी, वजीते खां नूं मार के
साहबजादियों की शहीदी का बदला लेना। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आख्या गरीब नवाज मसला सम्मान इस डौरे सरहद का, इन्हां पंजी सिंघां पंज तीरां नाल की करांगा। आख्या बंदा सिंह इह तीर आम नहीं, जिथे एक तीर चल जाएगा उत्थे परलो आ जाएगी, उत्थे परलो आ जाएगी बंदा सिंह। पर एक गल याद रखियो, तेनू ते मान ही देना, तेनू तो वड्याई देनी बंदा सिंह। जिन्हां रूहां ने काम करना रूहां होर ने। आख्या महाराज ओ रूहां होर किथे ने? आख्या बंदा सिंह आकाश वल झाती मार। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आकाश वल झाती मारी, आ लखां दी गिनती विच शहीद सिंघां दीआं फौजां तैयार पर तैयार खड़ियां सन। आख्या बंदा सिंह पंजाब च ते चल ओए, जे फड़ के पिछड़ौरे सरहद की इट नूं इट नूं खड़काती ते तुहानूं सिंघां शहीदां दीआं फौजां कौण कहेगा? पैंदा तां करदे मंजली मंजली पहुंचदे, बाटा मारदे मज मंजली मंजली पहुंच मंजली मंजली पहुंचदे। माफ करना माझे दे विच आ सुखा सिंह मुताब सिंह कहिंदे उत्थे पुजना बड़ा औखा, बड़े पैरे लगे ने। एक बारी कह दे वैर बड़े पैरे लगे ने, उत्थे ते जाना बड़ा मुश्किल होएगा। व्यू तो बनाई एक पुराना थे सी, ठीकरियां दी बोरी भर ली ते भेस लै बदला। आख्या पैरे दा रोकणगे ते ओ पुछणगे आ की चक्की है? ओ ठीकरियां दी बोरी भाई सुखा सिंह ने पिठ पिछे रखी हुई सी, चक्की सी, चक ली जां चक पुरे? जे पहरेदार पुछणगे भी तुसीं कौण हो, आखांगे इस इलाके दे चौधरी होने आ, नंबरदार होने आ के नवाब मत्थे रंगड़ दा मामला उतारन वास्ते आए हैं। जदू पुजे सिंह अगे घोड़े लाची बेर ने अड़का तेन, वो बेरी अजे भी खड़ी है। अगो पहरेदारा ने आख्या कौन होंदे हो तुसी? मुताब सिंह ने आख्या इस इलाके तो चौधरी होने। आख्या बोरी च की आ? आख्या मामला तारना है, जरा मामला तारना मामला, पांच चार साल का मामला इकट्ठा हो गया, वादू हो गया, टाइम ही नहीं लगा के। आख्या बोरी चा क्या सोने दियां मोहर? पहरेदार कहने साडा हिस्सा, कहने पूरा ख्याल रखेंगे, फिक्र ना करो। पहला सानू नवाब का मामला तो पूरा कर लेंगे, दूजे अगे अगे वधे तो होर पहरेदार खड़े ने, और पहरेदार खड़े मुकदी गल की हो? कहिंदे कौन हो? आख्या यार दोगी पहले भी पुछते ने कौन हो, तुसी पुछते कौन? चौधरी होने इलाके दे के। आ बोरी च की ने? आख्या सोने दियां मोहर, इलाके दे चौधरी होने मामला तारना है मामला। वो भी कहिंदा साडा ख्याल रखिया। हां आख्या साडा ख्याल, आख्या पूरा पूरा रखांगे, ठारो तो सही पहला। अग्गे वधन जिथे हरिमंदर साहब की ड्योढ़ी आप मत्था टेकते हैं, डिठे सबे थाम नहीं तुझ जिहा। सिंह उत्थे पुजे तक नौजवान लड़की बड़ी खूबसूरत, सज व्याई औरतों वाले कपड़े पाए ने। सुखा सिंह मताब सिंह कहिंदे उत्थों दा लंघ आया यार, हौली हौली गल्लां करदे कहिंदे इत्थों अगे निकलना औखा, ये लगता कोई सी आई औरत छड़ी ने। जो गल्लां करन लग गए तो नौजवान कहिंदी सिंह कौन हो, कित्थों आए हो, किवें आए हो, की गल्लां करदे हो? इहनां गल मोड़ के आख्या बीबी बड़ी भोली लगती, बड़ी सोहनी लगती है। एक बारी कह दे वाहगुरू, एक बारी फिर कह दे वाहगुरू, बड़ी सोहनी लगती है तू, बड़ी भोली लगती है।
अभी आपसे गल कर रहा सर। उन्हें आख्या मैं भोली मैं भोली आख्या खालसा जी कदा छोटा होंदा पढ़ता होंदा सर पढ़ता होंदा सर अभी भी आप छोटे हाँ गुरु का सिंह कदी वड्डा नहीं होंदा महापुरखो गुर की मत तू ले हमेशा ही आना रहिंदा जी न्याणा रहिंदा जी। एक स्कूल च पढ़ते होंगे बाबा जी एक बाबा से उम्र सी 110 साल आई उन्होंने कहना बूढ़ा बूढ़ा सानू उन्हें कहना तू बूढ़ा तेरा प्यो बूढ़ा तेरी मां बूढ़ी मैं क्या बापू तू ये क्यों गल कहना गुस्सा क्यों करना कहता अज तक मेरा प्यो जूंदा जब तक मेरा प्यो तो मेरी मां नहीं मरते मैं नहीं बुढ़ा कौन आख्या खालसा जी उन सोन पाए कपड़े मिलके भरावा उन्हें आख्या खालसा जी मैनू भोली मूल आखियो भोली मूल राम ना चल बे जरा उन्होंने पता लग जाए बीबिया भैन के नौजवानों सिख किवें मौत किवें सिखा का पानी भरती सी सोने मैनू भोली मूल ना आखियो मैनू भूली मैनू भोली मूल ना मैं लोयो पक्की मैं मारे करो पांडव मैं किसे दी ना थकी ओ बीबी खपर खून दे मैं अजे ना थकी मैं फड़फड़ पीवा जगत नू फड़फड़ पीवा जू दाने चक्की आख्या खालसा दी मैनू भोली कहिंदे आ मेरी ड्यूटी दा तुहाडे वास्ते लगी आ सोने पाए कपड़े मुटियार खलोती ओदा चूड़ा सुहा हार शिंगार खलोती कहिंदी बड़ला सर तुसी मथे दा मैं बार खलोती आख्या तुसी मैं इत्थों डरदे आ ऐसा सिख गुरु गोबिंद सिंह ने पैदा कर दिता जरा मौत दियां हदां भी लंघ गया खालसा जी एक बार कह दे वाहिगुरू भगतां दे जथेदार साहब आए ने बड़ी कृपा की इन्होंने माफ करना सुखा सिंह मताप सिंह का अगे वधना मसर रंगड़ ने आख्या कौन आख्या जी चौधरी होने लाके तो तुहाडा मामला देना ए है बोरी दे विच की आ आख्या सोने दिया मोहरां ने सोने दिया मोहरां तनवाब मसे रंगड़ ने आख्या इधर आख्या किधर सुटी आख्या इधर सुट दियो जदों दूजे पासे कीता ना मूह मताप सिंह ने मारिया नेजा सिर दे विच तुझे हाथ ने तलवार से किया तलवार का वार सिर मसे रंगड़ का टंग लिया नजर उत्ते माफ करना तो रहिंदा सुखा सिंह झड़काते उसने पहरेदार कहते अपना हिस्सा भी लै जाओ कहते फिर लै लाँगे कट्ठा ही लै लाँगे आप बाबा दीप सिंह कहो साइंस यहोजे बंदे पैदा करे जंग के मैदान च लड़ते लड़ते आप जानते सज्जनों कबड्डियां दे मैच होंदे ने वेट किया जाता बच्चों का 30 किलो दे 30 किलो वाले 40 किलो दे 40 किलो 50 किलो वाले का मुकाबला 50 ते 60 वाले का 60 नाल माफ करना एक पासे 87 साल की उम्र कलगीधर पातशाह के लाडले पुत्र बुढ़े जरनैल बाबा दीप सिंह की तो दूजे पासे जमाल खान नान का
हट्टा कट्टा जरनैल सिंह ने फड़ के तुरक फौजां दे विच भाजड़ां पा दित्तियां। एक समा आया बाबा जी दे खंडे दे वार नाल ना जमाल खां दा सिर गाजर वांगू कट के पुंजे जा पिया। उधरों जमाल खां आमो सामनी टक्कर च बाबा दीप सिंह दा सीस तां तुजदा हो गया ते मौत ने आख्या क्यों आख्या ठहर ठहर कुदरती गल च उस फौज का जरनैल ना रहे उसने टेंदी टेंदी कला च तुर जाया करते ने जथे का जथेदार ना रहे जथे के सिंघां दे हौसले टेंदी कला च तुर जाया करते ने। सिंघां ने आख्या जी बाबा जी कसम मंझ धार छड़ चले हो तुसीं क्या थी मरन तो बाद हरिमंदर साहब की पवित्रता बहाल रखने वास्ते लड़ांगे। आख्या सिंघां साडा सीस ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਸਾਇੰਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਟੋਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਸਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। सोलह बचदिया अष्टपदिया का पाठ भाई मणि सिंह के कट्टे बंदा बंदा ने किया। माफ करना वो लकड़ा चीरिया जांदियां वेखियां ना कदे बंदे भी चीरे जांदे ने वो बोलते क्यों नहीं। आलू बालते वेखे ना घर में सब्जियां बालते वेखे ना इस सिख इतिहास के पन्निया से भाई दयाल सिंह वर्गा सिख आदुआ की तरह। माफ करना देख दे विच उबाले गए पर सिख बाणी पढ़ते पढ़ते हस हस के शहीदी पा गया। माफ करना होले महले ते आए होला महला। माफ करना बाबा दीप सिंह का आसीस खबे दी तली ते टका पा गया। जिधर नूं पैंदा सन आहो लाई जांदा सन वाढी रख दिते तुरक फौजा कन्ना ते हाथ रख के जय मोहम्मद अली। ओए होए 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 ओए सिखां नूं की हो गया ओए लो ओ कन्ना ते हाथ रख रख के ना फौजा फौजी जवान कन्ना ते हाथ रख रख के लाहौर नूं दौड़े जांदे सन नाले पिछे पिछे मुड़ मुड़ के वेखदे सन किते सिर कटिया बाबा साडे पिछे ते नहीं दौड़िया आउंदा। जेड़े सिख गुरु घर की महिमा तू जाणू सन जेड़े तुरक गुरु घर की महिमा तू जाणू सन दूजे तुरकों नूं दूजे तुरक उन्हां नूं पुछदे सन ओ सिखां च कित्थों शक्ति आ गई ओ सिर कट्टण तों बाद भी लड़े लड़दे लगे आउंदे ने। जेड़े तुरक गुरु घर की महिमा तू जाणू सन कहिंदे तुहानूं नहीं पता ओ तुहानूं नहीं पता इन्हां दा गुरु है खबर की पला गई है बट दे विच खोल के खबर की पला गया बट दे विच खोल के आ गया बट दे विच खोल के खबर की पला गया बट दे विच खोल के खबर की पला अमृत पीता खंडेदा खंड दे नालों तिखे पाए विच पतासे ने शायद इत करके मिठे शाही फौजा लाहौर जा बढ़िया नवाब लाहौर पुछता सी फौजी जरनैलों के जवानों ने पुछता सी समा आग्या नहीं दे रहा और थोड़ा जा सिख
ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੌੜ ਆਏ ਹੋ। ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨ, ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਭਲਾ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾੜੀ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾੜੀ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਹੋਲਾ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਲੀ ਖੇਡਿਆ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤਰਨਾ, ਹੋਲਾ ਖੇਡਣਾ ਹੋਲੀ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਹੁਣ ਹੋਲਾ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਲੀ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਹੋਲੀ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾ ਤਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, 100, 50, 60, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਿਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਗੁਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਗੁਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਤਨਿਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਬੱਲੇ 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 ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿੰਘਾ ਚਾਦਰਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਆਸਾਂ ਬਗਾਨੀਆਂ 'ਤੇ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਤਨਿਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਜਾ ਵੀ ਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਨਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨੋ ਵੀਰੋ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਹ ਲੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀਪਾਂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤ ਸ਼ਰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਜੀਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਕਿ ਮਣਜਾਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੂਰਖ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਡੰਡਾ, ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੱਖੀ ਲੱਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬਣਜਾਰਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇੜਕ ਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
हाँ जी हाँ जी तुसी फिर आप की हैं आप कुछ भी नहीं जे आप अमर शाक्य गुरु वाले बनिए आप फिर सब कुछ हैं इन्ने के शब्द प्रमाण तक सहबाना के जथेदार आए बड़ी खुशी हुई तो बाबा जी कृपा नाल मैनू अज भी कह रहा कोई वधाई दे दो मैं कहना नहीं सियाने साथ बैठे ने आंदा जी जरूर दे दियो जरूर दे दियो हले महले तो बोल दियो तो मैं कहते इनकलाबी देना एक बार कह दो वाहरू इनकलाबी देना सानू टुंबदा सानू जगाउंदा साडे च गैरत अणख जिहड़ी भरी ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस तो सानू जाणू करवाउंदा बुलाओ फतेह जी वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह।